डॉक्टर संजय जैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी डूंगर कॉलेज। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने वाटर रिलेशन के बारे में देखा होगा, उसी के कंटेंट में जैसा आप लोगों को बताया था कि ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में या तो शॉर्ट डिस्टेंस होता है या लॉन्ग डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पैसिव और एक्टिव। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। नाउ द पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नाउ द डिफ्यूजन रेट इज हाइएस्ट इन गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स। इन केस ऑफ आवर प्लांट्स, इन स्टोमेटा टू टाइप्स ऑफ गैसेज आर एक्सचेंज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बट दे डिफ्यूज अकॉर्डिंग टू देयर ओन कंसंट्रेशन। रंध्रों में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है वो उनके स्वयं की सांद्रता के आधार पर होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अंदर हाई है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो विसरण होगा वो उसकी स्वयं की सांद्रता पे होगा, न कि ऑक्सीजन की सांद्रता के आधार पे होगा। सो दिस इज नोन एज इनडिपेंडेंट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट। ये मैं आपको बता ही चुकी है कि एनी मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस डिफ्यूज फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एज यू नो द मेम्ब्रेन्स आर ऑफ फोर टाइप्स, दैट इज परमेबल मतलब पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, जैसे हमारी सेल वॉल होती है। सेकेंड इज योर सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अधिकतर सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स जो परचामेंट पेपर वगैरह होते हैं वो होती है। द थर्ड इज डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज अवर सेल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम सॉलिड पार्टिकल्स एंड ऑल्सो द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इन केस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो, जिसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा सकते हैं, जबकि डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन से सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही पार्टिकल्स जा सकते हैं, बट वो उसके पोर साइज पे डिपेंड करता है। एंड लास्ट इज योर इम्परमेबल। जैसे हमारे कॉर्क जो बनता है प्लांट्स के अंदर, उसके सेल्स में सुबेरिन की थिकनिंग होती है, दैट इज वाई दे आर इम्परमेबल। नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द डिफ्यूजन इज टेम्परेचर। एज यू नो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम तापक्रम बढ़ाते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज प्रेशर। एज वी इंक्रीज द प्रेशर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। एंड नेक्स्ट इज मीडियम इन विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। जिस माध्यम में विसरण हो रहा है उस पर भी विसरण की दर बहुत प्रभावित होती है। अगर वो माध्यम की डेंसिटी हाई है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज हाई, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेस, एंड इफ इट इज लो देन रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा ही होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। देखिए, स्ट्रोमेटा या रंध्र जो हम प्लांट में लेते हैं, उनमें अगर आप देखो तो दो गैसेस का एक साथ डिफ्यूजन होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन की डेंसिटी एज यू नो इज 1 एंड ऑक्सीजन की 16 होती है, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 16/1। सो हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 times more faster than ऑक्सीजन। एंड
the next point we should include in diffusion is diffusion pressure. The particles which diffuses also exert a pressure on the anything in which diffusion takes place. And last is partial pressure. देखिए स्ट्रोमेटा में जो डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है एंड ऑक्सीजन का भी होता है, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाई डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पार्शियल प्रेशर, एंड ऑल्सो द डिफ्यूजन प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो नोन एज इट्स प्रेशर. सो दिस इज अबाउट डिफ्यूजन. Now, second type of short-term translocation is your facilitated diffusion. As the name indicates, इसमें किसी न किसी चीज का facilitation होता है. That means, diffuser, आप देखिए, अगर हम cell membrane को देखते हैं, as you know, according to Robertson model, cell membrane is made up of two layers of lipids which is and one layer of protein. Now the substances which are lipophilic, that is which are soluble in lipid molecules, they can easily go inside the cell, but the problem is for hydrophilic molecules. So how hydrophilic molecules go inside the cell? This takes place with the help of protein molecules. And the diffuser with the help of membrane protein, mostly they are hydrophilic as you know, is known as facilitated diffuser. Lipid soluble substances, they can rapidly diffuse through the membrane because the most of the part of our cell membrane is made up of what? That is lipid. Now, there are some specific proteins which facilitate diffusion in the cell membrane and they do not require ATP. ATP की कहीं जरूरत नहीं होती है. हमारे cell membrane में special type के proteins जो कि मैं अगले उसमें बताऊंगी आप लोगों को, proteins होते हैं जो कि hydrophilic substances को diffuse करने में help करते हैं, and these proteins are very specific. And they form protein channels. The protein channels always open as some protein channels they are very large and some they are very small. Now what is porins? Porins are the means the proteins which form use pores on the surface of the cell membrane is known as porins. Koshika ki satah pe जो प्रोटीन्स जो कि हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में काम आते हैं, सतह पे बड़े बड़े छिद्र या पोर्स बना देते हैं, उनको हम कहते हैं पोरिंस. दीज पोरिंस दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, जिनको हम लवक कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, एंड ऑल दीज पोरिंस दे हेल्प इन फैसिलिटेटेड translocation. Now you can see in this chart, these are the, as you know, these are the lipids and these are the proteins. Now this is protein channel. इस protein channel से आराम से जो बाहर के substance है वो अंदर जा सकते हैं. अंदर कहाँ जाएंगे? Naturally एक cell के पास दूसरी cell होगी और बीच में होगा intercellular space. Now देर आर सम कैरियर प्रोटीन, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स. ये कैरियर प्रोटीन्स बाहर से हमारे सब्सटेंसेस को लेते हैं और अंदर छोड़ देते हैं, बट देयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट एटीपी. सो दिस इज अ पैसिव ट्रांसलोकेशन. नाउ दिस is again indicated in this diagram. आप देखिए ये तो हमारे protein channel है. जैसा मैंने आपको बताया कि protein channel बाहर अगर एक बड़ा सा pore बनाते हैं तो उनको porins कहते हैं, and porins से हमारे substances आराम से अंदर जा सकते हैं.
दिस स्पोरिंस जैसा मैं बता चुकी हूँ प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर से सब्सटेंसेस को पकड़ते हैं, इनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कहते हैं या कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं, और इनको अंदर ये छोड़ देते हैं। नाउ सेल के अंदर हमारे सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तीन डायरेक्शन में हो सकता है। फर्स्ट इज सिंपोर, जैसा कि बिल्कुल डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है, दिस इज द प्रोटीन पार्ट। सिंपोर्ट में सब्सटेंसेस का डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। आप इधर एंटीपोर्ट में देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर भी जा रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं, तो व्हेन द मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज नोन एज एंटी, मींस अपोजिट, एंटीपोर्ट। यू कैन सी दिस एंटीपोर्ट। देन थर्ड इज देयर इज चैनल्स और प्रोटीन्स इन विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली, जिन प्रोटीन्स चैनल्स में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिपोर्ट। सो यू गॉट इट, देर आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सिंपोर्ट में आप जैसे डायग्राम इंडिकेट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंटीपोर्ट में मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड यूनिपोर्ट में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। माई वन थिंग इज दैट माई नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन ऑस्मोसिस। थैंक यू।